अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उभस्यायानं नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंच नमुकारो सब पापणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सदगुरु, गुरु लघु सर्वज्ञ है, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु, सूक्ष्मतमा
सत्यम निश्चयमन्ते त्रिशकोटि विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याण में मंगलमय जो आशिषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ दो व्यवहार सदबुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोत जो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए नायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यात्वाद वाणी स्यात्वाद वर्तन और स्यात्वाद वर्ण करने की परम शक्ति देव जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं के। हम हमारा सबका ये कलयुग के अंदर सबका बहुत सौभाग्य है हमको इस कलयुग के अंदर भी ऐसे अध्यात्म विज्ञान के अनुभवी पुरुष के मुखारविंद से ये विज्ञान समझने का जो मौका मिल रहा है और विज्ञान भी निष्पक्षपाती कोई धर्म संप्रदाय
गुरु भगवान या क्रियाकांड से पर ऐसा विज्ञान हम सबको इस वातावरण के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी सुनने को मिलता है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। दिन ब दिन ये विज्ञान सुनने वाले, समझने वाले, अनुभव करने वाले की संख्या दिन ब दिन और बढ़ती ही रहती है और बढ़ती रहती है। और ये विज्ञान हमारी सबकी भावना से और हमारे सबके प्रयास से पूरे विश्व में फैलेगा, उसमें कोई शंका भी नहीं है। और ये विज्ञान धीरे धीरे साधु संतों सन्यासियों सबके जीवन में ये प्रकाश डाल रहा है, सभी को विज्ञान शब्द बोलने के लिए मजबूर करता है। यही आध्यात्म विज्ञान की शक्ति है। पहले जमाने में लोग धर्म की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते थे, परंपरा की बात करते थे। आज साधु संत सन्यासी जितने भी प्रवचनकार हैं, उपदेशकार हैं, सत्संग करने वाले हैं या मोटिवेशन वाले हैं, सभी लोगों को अपने प्रवचन में विज्ञान शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है। यही आध्यात्म विज्ञान का पावर है। और ये आध्यात्म विज्ञान जो हमको दृष्टि के रूप में जो मिला है, ये विज्ञान हम अपने जीवन में कैसे संपूर्ण रूप से इसको समझ पाए, कैसे संपूर्ण रूप से इसका अनुभव कर पाए और ये अनुभव हम दूसरों को भी कैसे बांटे, इसी के लिए ये आध्यात्म विज्ञान का जो सत्संग का जो स्वाध्याय है, सत्संग की जो परंपराएं है, इसके अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपना प्रश्न करने का अधिकार है। हर व्यक्ति प्रश्न कर भी सकती है बिना संकोच में। हर एक व्यक्तियों को उत्तर भी देता हूं। कोई जगह अध्यात्म विज्ञान के अंदर वाद विवाद का स्थान नहीं है। और इसीलिए जब वाद विवाद होता है तो अहम में बात आ जाती है, फिर कड़वाहट हो जाती है। यहाँ वाद विवाद में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो बात करते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ की है, लॉ ऑफ नेचर की है। स्वीकारो तो भी ये है, ना स्वीकारो तो भी ये है, उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है ना मेरे पास है। मैं जब सनातन सत्य की बात करता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप स्वीकारते और नहीं स्वीकारते तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे आध्यात्म विज्ञान की बात जब विश्व के फलक के अंदर लोगों के सामने कुदरती संयोग के अधीन, कुदरती कानून के अधीन और कुदरती रचना के अधीन जिस प्रकार से लोगों के सामने ये विज्ञान पेश हो रहा है, मैं समझता हूँ ये कलयुग के अंदर ये बहुत बड़ी सिद्धि है जो लाखों करोड़ लोगों को कल्याण करने के लिए इसकी नींव अभी तैयार हो रही है। और इस नींव के आप सब भी भागीदार हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें। ये विज्ञान को यथार्थ रूप से, सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करें। अपने जीवन में जो कुछ भी ये विज्ञान को समझने में उलझन है, पजल है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, जिसका हमको समाधान नहीं मिला है, या और कोई प्रकार के आपके प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। बारी बारी से समय की मर्यादा को ध्यान में रख के आप अलग अलग व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं। हमारे एंकर यहाँ जो कुछ भी मैनेज कर रहे हैं, इनको आप सब सहयोग करने की कृपा करें और इसमें अपना अहंकार भी इसमें मत लाएं, क्योंकि उनका काम अपनी मर्यादाओं में रहकर
आप सबका कैसे समाधान होवे, आप सबके कितने मैक्सिमम प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए और सभी व्यक्तियों को प्रश्न करने का मौका भी मिले, तो ये सब कुछ सुचारू रूप से ये चले, यही एंकर की भावना होती है और यही प्रयास होता है। तो आइए हम सब उनको भी सहयोग करके अपने जीवन का समाधान प्राप्त करके अपने, परसों हमारे सत्संग में यहाँ सूरत में आए थे तो एक डेढ़ घंटा दो घंटा वो बैठे थे और प्रश्न भी किया था और अपना जो कॉन्फ्रेंस सत्संग था इसमें भी बैठे थे। इसके बाद कल हम इनके, परसों आए थे, कल हम इनके घर पे गए थे और उनकी धर्मपत्नी की तबीयत नादुरुस्त होने के वजह से वैसे भी हम मिलने के लिए गए थे और उनकी भी भावना थी कि आप मेरे घर पे आइए, तो हम वहां गए थे। करीब एक आध घंटा बैठे होंगे, वैसे तो बहुत सारी बात उनके यहाँ हुई थी। वो उनकी बातों का यह निष्कर्ष था कि ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान जो मैं जो विज्ञान जानता हूं, उनका कहने का मतलब कि वो भौतिक विज्ञान है क्योंकि वो इसरो और नासा के साथ वो काम करते हैं, स्पेस में स्पेस एजेंसी के साथ वो काम करते हैं, तो मेरा जो विज्ञान है वो तो सब टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत सारा हाइप के ऊपर यूनिवर्सल ट्रू साइंस और जो नेचुरल साइंस है वो तो बहुत ऊपर है, वो तो ऑटोमेट काम कर ही रहा है, आप इसको मानो न मानो, समझो ना समझो, अनुभव करो या ना करो, कुदरत का कानून और कुदरती रचना ये तो काम करती ही रहेंगी, दिन रात होते ही रहेंगे, ठंडी बारिश गर्मी होती ही रहेगी, सभी प्रकार की ऋतुया होते ही रहेगी और भर्ती ओट कर्म और कर्मफल ये सबको मिलता ही रहेगा। तो ये जो ऑटोमोट सिस्टम है ये साइंस तो अपने आप चलता रहेगा, इस साइंस को जानना ये हमारी दृष्टि का सवाल है और अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास रिलेटिव सत्य जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है वो तो हमारे पास है ही, कहीं अवतारों से है कहीं सदियों से है, मगर ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान हमको एक या दूसरी तरह राग द्वेष कसाय मेरा तेरा ये करवाता है और कर्म बंध होता है। तो ये जो कुदरती कानून का जो सिद्धांत है और ये विज्ञान है अल्टीमेट ट्रुथ, ये विज्ञान छह सनातन तत्वों से जुड़ा हुआ है। ये विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे को भी उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में समझना है, अभी मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जैसे जैसे मेरे को ये जब प्रश्न खड़े होंगे तो मैं अवश्य आपको करूंगा, मगर इतना जरूर है उन्होंने कहा कि ये विज्ञान जो आप बता रहे हैं वो कोई साधारण विज्ञान नहीं है, वो बहुत हाइट वाला अल्टीमेट साइंस है, इसके ऊपर कोई साइंस नहीं है सिर्फ अनुभव है। तो ये उन्होंने बहुत नम्रता से बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपको बार बार समय समय पे मिलने की कोशिश करूंगा, फोन पे या तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो हर बार नहीं मिल सकते हैं, मगर फोन पे मिलने की कोशिश करूंगा और इसी प्रकार वार्तालाप तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, मेरे साथ और भी महात्मा थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ प्रश्न किया था, मगर कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताऊं, मतलब कोई पर्सनल बात नहीं थी मगर एक नॉर्मल क्वेश्चन था, तो कोई विशेष प्रकार की बातचीत तो वैसे नहीं हुई क्योंकि उनके संजोगों की भी एक मर्यादा थी, उनकी पत्नी बीमार थी और बैक पेन था और दो तीन महीने से वो भी संघर्ष कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, तो हमने भी ज्यादा उनको व्यवहार से कष्ट नहीं दिया, एक फॉर्मल हम गए थे, तो ये हमारी सिचुएशन थी।
Yes, please. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Swamiji. Ghanshyam Bhai. Jai Sachidanand, Swamiji. Jai Sachidanand. Apna charanon ma koti koti namaskar. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Swamiji, mera prashna jo hai kal baki raha tha. जो 14 लाख लेयर्स के बारे में था ओके मेरी विनती है कि अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगे और आपकी मंजूरी हो तब भी डिस्कस करना वरना हम फिर कभी ऐसा बात पे हम डिस्कस करेंगे ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम यस प्लीज जो एज आई से 14 लाख लेयर्स के बारे में मेरा क्वेश्चन है यस और पहले मैं जो समझता हूँ मैं आपसे आपके साथ ये वार्तालाप करूंगा उसके बाद में आप हमें इसमें जो भी करेक्शन है या तो यथार्थ कोई भी एंगल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो प्लीज हमको बताइए यस यस 14 लाख लेयर्स जो हर एक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन जब इंसान का इंटेलेक्चुअल शुरू होता है बुद्धि आती है तो बुद्धि जैसे जैसे मैच्योर होती है उसके साथ ये जो 14 लाख लेयर्स है उसमें बुद्धि से अज्ञानता की वजह से वो उसको गाढ़ करते रहते हैं हम बोलते हैं मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन तो ये जो 14 लाख लेयर्स है उसमें हमेशा ऐड होते हैं लेयर्स बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस और जब ये इग्नोरेंस का एक्सट्रीम लिमिट में आता है और उसका भाव जो है वितराग धर्म के बारे में उसको थोड़ा सा एबिलिटी समझने की डेवलप होती है उसके बाद यथार्थ जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन यथार्थ अनुभवी ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद जो समझ में आता है तो ये समझते समझते उसको पता चलता है कि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन की वजह से ये सब लेयर्स हैं लेकिन अभी जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमें मिला है उसको जितना भी हम यूज करेंगे संजोगों के साथ समझ समझ के तो वो जो लेयर्स है 14 लाख आहिस्ते आहिस्ते उसमें लेयर्स मतलब वो पतले होते हैं वो गाढ़पन से निकलता जाता है और आहिस्ते आहिस्ते वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अनुभव करता है तो ये जो डेवलपमेंट है ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक दिन वो जो अज्ञानता के 14 लाख लेयर्स है वो कम्प्लीटली इग्नोर मतलब वो कम्प्लीटली निकल जाएंगे और अपने आप का जो स्वभाव है हमारा मूड पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो नहीं कहलाता है कि पुरुषार्थ खत्म होने के बाद ये जो हमारा शुद्धात्मा का स्वभाव है केवल ज्ञान और केवल दर्शन उसकी ओर आगे बढ़ता है तो ये मेरी समझ है तो आप उसके बारे में यथार्थ हमें दूसरे एंगल या जो भी है हमको समझाने की कोशिश करें प्लीज ओके जो 14 लाख लेयर्स जो है उसमें सबसे पहले आता है 5 इंद्रियों का जो अज्ञान है यानी अवेयरनेस हम जब इंसान के फॉर्म में पहली बार आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 5 इंद्रियों का अज्ञान है यानी हम कुछ नहीं जानते हैं इंद्रिय ज्ञान जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय मिला वो ज्ञान अलग है और मनुष्य में आने के बाद 5 इंद्रिय और बुद्धि मिले तो वो ज्ञान चेंज हो गया तो सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान का अज्ञान धीरे धीरे खुला होता है ये लहर खुलता है फिर धीरे धीरे ये इंद्रिय ज्ञान बौद्धिक ज्ञान में ट्रांसफर होता है वो बौद्धिक ज्ञान का मतलब होता है अनलिमिटेड इच्छा सुख प्राप्त करने की अनलिमिटेड इच्छा ये और लेयर हमारा जो है वो डेवलपमेंट में बढ़ाता है लेयर समझ के साथ कम होता है मगर हमारा अज्ञान घर होता है मैं आप सबको ये समझाता हूं जरा ध्यान से सुनना बराबर जितना आपका बुद्धि का डेवलपमेंट होता है थ्रू द 5 सेंसेस इतना आपका लेयर कम होता है मगर अज्ञानता बढ़ती है लेयर अलग चीज है
अज्ञानता अलग चीज है। अज्ञानता वो मान्यता से जुड़ा हुआ है। लेयर का मतलब होता है आपका ये दुनिया को जानने की क्षमता। वो लेयर धीरे धीरे इंद्रिय ज्ञान के साथ बौद्धिक ज्ञान से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आपका लेयर तो कम होगा। भारतवर्ष में आप जब जन्म लेते हैं उसके पहले आपके बहुत सारे लेयर खत्म हो चुके हैं भारतवर्ष में पैदा होने से पहले। यानी आपका इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान का बहुत बड़ा विकास हो चुका है, फंडामेंटल। अभी अध्यात्म की बिगिनिंग नहीं हुई है। तो ये जैसे जैसे भारतवर्ष में आते हैं, जन्म लेते हैं पहली बार एक ह्यूमन के फॉर्म में, उसके बाद उनको ये जानकारी मिलती है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सब कुछ इनको समझ में आता है धीरे धीरे। जैसे जैसे समझ में आता है उनके लेयर्स कम होते हैं। देखो राग द्वेष कसाय अज्ञानता ये सब बढ़ेगा मगर लेयर कम होंगे। लेयर का मतलब होता है वन काइंड ऑफ योर टू डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस। ओके, अज्ञानता जो है नई जानकारी, वो जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आप डेवलप होते हैं। और अज्ञानता जो फंडामेंटल है वो अज्ञानता पक्की होती है मगर आपका लेयर कम होता है। तो ऐसे करते करते ये ज्ञान मिलता है, फिर धर्म मिलता है, फिर धर्म के माध्यम से कहीं लोग कहीं लेयर निकल जाते हैं। उसके बाद में अध्यात्म की बातें समझ में आती है, तभी भी धीरे 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 हमारे लेयर कम हो जाते हैं, कम होते रहे होते जा रहे हैं। ऐसे करते 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 जैसे ये विज्ञान समझ में आता है तो विज्ञान के आधार से सभी प्रकार के जो रिमेनिंग लेयर्स है लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग वो भी खत्म होने की क्षमता आपके पास आ जाती है। वो क्षमता कैसे आएगी आपको, जैसे जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आता जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आता जाएगा वैसे वैसे भ्रांति आपकी टूटती जाएगी, भ्रांति टूटती जाएगी और आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। अज्ञान अलग चीज है। अज्ञान का मतलब होता है फंडामेंटली मैं मन वचन काया हूं, मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूं और मैं मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भुगतान करता हूं। ये फंडामेंटल अज्ञान है। तो ये तो घाट होता है मगर लेयर कम होते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है। मगर ये विज्ञान जानने के बाद धीरे धीरे लेयर भी कम होते हैं और अज्ञान भी कम होने का रास्ता मिलता है। तो जैसे जैसे रास्ता मिलता है उनका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, उनका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। अज्ञान कम होगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, लेयर्स भी कम होगा। ऐसे करते करते वो मैच्योर होते हैं और अपने जीवन में एक बार सभी प्रकार के लेयर्स भी खत्म हो जाते हैं तब वो डेवलप तो हो गए। अभी अज्ञान बाकी रहा, लेयर्स खत्म होने के बाद भी अज्ञान तो बाकी रहेगा क्योंकि अनुभव बाकी है, क्योंकि उपयोग बाकी है। तो वो अज्ञान तो जैन परिभाषा के मुताबिक 11वें गुंठाने तक उपयोग में कमी रहेगी। 7वें में अज्ञान फंडामेंटली खत्म हो जाता है। एक्सपीरियंस वाला अज्ञान तो अज्ञान तक रहता है और अज्ञान क्रॉस कर दिया तो 12वें में अज्ञान नहीं। तो ये जो उठाने की बात है 14 लेक्स लेयर ऑफ द माइंड, ये जो बात है ये बहुत डीप से समझने की जरूरत है। बौद्धिक डेवलपमेंट और अज्ञान का नाश ये दोनों अलग चीज है। तो इसीलिए मैंने अभी तो सत्संग की मर्यादा के अधीन थोड़ा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, लेयर्स ऑफ द माइंड एंड अज्ञान दोनों अलग चीज है। अज्ञान है वो हमने बनाया है
और सनातन सत्य है वो हम समझ नहीं पाते हैं, वो लहर की बात है। और अगर सनातन सत्य समझ भी गए तो भी अज्ञान रहेगा, क्योंकि बिलीफ तो हमारी है ना। एनीवे तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको और डिटेल में ले जाएंगे। अभी यहाँ इसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे महात्मा दे आर वेटिंग हियर, तो उनके प्रश्न लेते हैं और आपका प्रश्न यहाँ छोड़ देते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, हरेश भाई जोशी बोलो। स्वामी एक एक प्रश्न है मारा कि अपना ये संपूर्ण विजन जो परफेक्ट हो जाए तो वो कौन से गुठाने में आता है? संपूर्ण विजन कंप्लीट हो जाए वो तो बार-बार गुठाने है, बार-बार गुठाने में। और मुझे ये जानना है स्वामी जी कि पांचवे गुठाने में क्या होता है, पांचवे छठे और सातवे, ये तीनों का थोड़ा समझना है। पांच छह सात वो तो डेवलपमेंट का है। चौथे गुठाने पे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया, अभी वो भी बेसिक हुआ है, क्या है संपूर्ण। तो पांच छह सात वो आपका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है। बराबर सातवें तक डेवलपमेंट कम्प्लीटली आपके समझ में आ जाता है। आठ नौ दस ग्यारह वो एप्लीकेशन है, अनुभव और एप्लीकेशन। और अगर अनुभव में कंप्लीट आ गया तो दे क्रॉस 11, अदरवाइज 8 से 11 ऊपर नीचे होता रहता है। बराबर। तो 12वें हो गया मतलब अज्ञान खत्म हो गया। अच्छा बराबर। और अभी केवल ज्ञान है वो 13वें केवल ज्ञान है, 14वें निर्वाण है, मगर वो भी प्रोसीजर बाकी नहीं। 12 के बाद पुरुषार्थ नहीं होता है। बराबर, बहुत बढ़िया किया। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक कंफ्यूजन ये रहता है कि मन के साथ जुड़ गए उसका थर्मोमीटर क्या है वो मालूम नहीं पड़ता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कब जुड़ गए वो मतलब मालूम ही नहीं पड़ता कि या डिस्चार्ज है या हम जुड़ गए हैं वो समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा समझाइए ना। हाँ, हम मन के साथ जुड़ गए वो डिस्चार्ज है या हम जुड़ गए वो नहीं समझ में आता है, यही आपका कंफ्यूजन है, बराबर है। हाँ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मन दो प्रकार के हैं, एक चार्ज मन एक डिस्चार्ज मन। जी डिस्चार्ज मन तो मैकेनिकल है ही, इसका कंट्रोलर हम नहीं है, वो ऑटो मोड है। जी जी, यानी जो सोच करने वाला है वो करेगा ही, वो हमारे हाथ में नहीं है। मगर दूसरा जो भाव मन है वो हमारा चार्ज मन है, वो हमारा लाइव मन है, वो मन के अंदर पुरुषार्थ है। जी, और वो पुरुषार्थ है या तो डिस्चार्ज मन के साथ चार्ज मन जुड़ जाता है, वो भी एक अवस्था हो सकती है। दूसरा चार्ज मन अलग भी विचार कर सकता है डिस्चार्ज मन से। तीसरा चार्ज मन ये विज्ञान जान के अज्ञान को नाश भी कर सकता है, यानी कोई भी प्रक्रिया चार्ज मन में हो सकती है, मगर आपका फंडामेंटल कंफ्यूजन चार्ज और डिस्चार्ज में क्या अंतर है वो आपका प्रश्न है। जी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे सिनेमा देखने की इच्छा हुई और मैं सिनेमा देखने चला भी गया और पूरा मूवी देखा मैंने और अलर्टनेस के साथ देखा और साथ में मुझे मतलब मैंने एंजॉय भी किया, तो वो ये एग्जांपल में क्या हम समझे जुड़ गए हैं कि साथ में जितनी अलर्टनेस रही उतना अलग हुए कि मतलब कैसे देखा जाए? नहीं, आप अलग रहे कि नहीं रहे उसका तो स्टेटमेंट मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपको मालूम होगा, मगर आप जो पिक्चर देखने का विचार किया और पिक्चर देखा और पिक्चर देख के वापिस घर पे आ गए
ये आपका कुदरती रचना है वो तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ वो तो मैकेनिकल है। ठीक है, अभी उनके साथ आप जुड़ गए या अलग रहे या विज्ञान का उपयोग करके आप सेपरेट रहे वो तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। जी, अगर वो अवस्था की असर पुरुषार्थ में नहीं थी, मन वचन काय की जो अवस्था थी, विचारों वाली कहो, फिल्म देखने वाली कहो, ये सब अवस्था में अगर पुरुषार्थ वाला मन जुड़ नहीं गया है तो आप जागृति में थे। जी जी, और जुड़ गया तो आपकी जागृति में प्रमाद था। बराबर। तो स्वामी जी ये पूछना था कि जो हमको ये रस मिला उसमें इंटरेस्ट आया और साथ में अलर्टनेस भी, ये दोनों साथ में हो सकता है कि मतलब आपको ये रस आया तो अलर्टनेस नहीं होगी तभी रस आया होगा? ऐसा नहीं है। देखो डिस्चार्ज मन के अंदर तो इंटरेस्ट अवस्था का होगा ही, क्योंकि चार्ज ही उन्होंने रिलेटिव सुख पाने के लिए किया था, तो डिस्चार्ज में रिलेटिव सुख का अनुभव भी डिस्चार्ज वाला बुद्धि मन करेगा ना? हाँ रहेगा, तो वो तो करेगा। चार्ज वाला जो मन है हमारा जी, उनके अंदर जागृति ज्ञान दर्शन किस लेवल का है, शुद्ध है या अशुद्ध है, सनातन सत्य के बेस पर है या रिलेटिव सत्य के बेस पर है, उनके ऊपर आधारित है। बराबर। और जैसे बार मान लो 10 दिन के बाद वापस इच्छा हुई कि दूसरा भी देखने जाना है, तो ये तो मतलब इसी जन्म का इसी भोग का हुआ तो वो भी मतलब डिस्चार्ज में ही आएगा ना? तो 100 बार जाओगे तो भी डिस्चार्ज ही रहेगा। डिस्चार्ज ही रहेगा। ओके ओके जी जी। आप 5 बार गुस्सा करेंगे तो डिस्चार्ज, उसके बाद करेंगे तो चार्ज, ऐसा है? ना ना ना, 100 बार करोगे डिस्चार्ज नहीं। जी जी जी। आपने ज्ञान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया से मुक्त हूँ, अभी 50 बार स्नान 100 बार स्नान करो तो वो डिस्चार्ज, उसके बाद चार्ज होगा, ऐसा ना? वो तो हर बार सेम रहेगा प्रिंसिपल, सेम रहेगा, तो फिर प्रश्न करने का मतलब क्या रहा? हाँ हाँ, इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हर समय एक ही रहेगा, आप जागृति में रहो या ना रहो, डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज रहेगा, और चार्ज भागे या तो डिस्चार्ज से जुड़ जाएगा या तो इससे अलग रहेगा या तो विज्ञान में रहेगा, उनके पास 3 ऑप्शन है। जी हाँ समझ गए। और एक छोटा सा दूसरा प्रश्न है, जरा पूछ लूँ तो? ये जो श्रद्धा हम बोलते हैं वो स्वामी जी वो कहाँ से आती है, वो किस पार्ट का मतलब कंपोनेंट है? श्रद्धा जो आती है वो श्रद्धा कहाँ से आती है? हाँ बस वही श्रद्धा होता है, अपनी मान्यता से आती है। अच्छा हाँ हाँ, अपनी खुद की मान्यता होती है, सबकी अलग अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, बिना मान्यता तो श्रद्धा नहीं आएगी। बराबर। तो वो चार्ज में आता है कि डिस्चार्ज में होता? अगर श्रद्धा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को है तो वो चार्ज में आएगी, श्रद्धा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में है या तो प्रकृति में है और आप मुक्त रहते हैं तो फिर वो डिस्चार्ज। ओके ओके समझ गए। विनोद भाई जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपका आपका वीडियो कहाँ है, दिखता नहीं है? ये थोड़ा लाइट अभी अंधेरा है ना, तो ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। मेरा प्रश्न भी जो अभी पहले प्रश्न हुआ इसी तरह का मेरा प्रश्न है। ओके। तो ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होती है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जब जो हमारी जागृति मेरी रहती है वो तो मेरे ख्याल से दिन में कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल जागृति उसके अंदर एप्लीकेशन वाइज तो सारे दिन में मेरे ख्याल 1% से भी कम रहती है। 1% कहूंगा तो शायद बहुत ज्यादा होगी, तो ज्यादातर टाइम ऐसे ही रहता है कि भाई ठीक है समझने की कोशिश की लेकिन फिर वो मन संसारी किसी इंद्रिय सुख के अंदर ज्यादातर रहता है। तो जिस समय पर ये हम उस जागृति में नहीं रहते और किसी इंद्रिय सुख के अंदर रहते हैं
तो आपने अभी पहले जो प्रश्न आंसर किया, तो मेरा एक तो ये प्रश्न था कि भी जो है उस समय पर वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो संसार की तरफ रहती है तो संसारिक चार्जिंग होती है उसकी, और उस समय पर फिर अगर वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा संसार की तरफ इंद्रिय सुख के अंदर होती है तो उसमें फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में उस समय पर क्या फर्क होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो हम जागृति में नहीं रह पाते उसका कारण फिर क्या है, और उस जागृति के अंदर हम कैसे बढ़ें जिसके अंदर की ये ज्ञान का एप्लीकेशन हो, उसको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा का रोल डिफरेंस है। एक का डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल है और कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, मैकेनिकल शब्द बोलूं तो लॉ ऑफ नेचर आ गया, और दूसरा जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें लाइव पुरुषार्थ है। वो लाइव पुरुषार्थ ऐसा है जो आप जो चाहे वो आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक कर सकते हैं। आपका ज्ञान दर्शन सही है और आपका जो उपयोग उस समय सही नहीं है तो आप डिस्चार्ज के साथ आप जुड़ जाओगे, तो उस परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार होंगे और वो रिलेटिव सत्य होगा। उस परिस्थिति के लिए मैं जिम्मेवार हूं। हाँ, और वो रिलेटिव सत्य का ही कॉज बनाएगा। जी जी, ओके, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द रिलेटिव डिस्चार्ज अवस्था है, यानी कुदरती रचना में आप जुड़ गए। दूसरी अवस्था इवन दो जब वो मैं उस समय जुड़ गया तो उस समय मैं किसी ज्ञान के कॉन्शियस एप्लीकेशन में नहीं हूं, वो अजागृति के कारण जो मेरा पहले का जो भी ज्ञान और या अज्ञान जो भी है वो अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि भाई जो है इसमें मैं जुड़ गया हूं या मैं ऐसा कर रहा हूं। तो वो ऐसी अवस्था होती है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कॉन्शियसली मैं उसको अज्ञान में जा रहा हूं, लेकिन उस समय खाली मेरी जो ज्ञान की जो जागृति है वो नहीं रही और उस कारण वो उसके अंदर जुड़ गया। तो आप उस अवस्था की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी जी, ओके। तो इस अवस्था के लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है, और इसीलिए ये अवस्था में तो आपको फिर आपको जो कुछ कुदरत पनिशमेंट देगी उस समय आपके जो जिस प्रकार के भाव रहेंगे अटैचमेंट के साथ उसी प्रकार के कर्म बनेंगे, तो कर्म के भुगतान भी कुदरत इसी के मुताबिक देंगे। दूसरी अवस्था ये आती है कि भाई संयोग मन वचन काया से जो कुछ भी बना मगर मैंने ज्ञान का उपयोग किया, कम किया, ज्यादा किया, हो सकता है परफेक्ट किया या नॉर्मल किया या लो किया, हो सकता है प्रॉपरली नहीं भी किया, ऐसा हो सकता है, मगर फिर भी आपने ज्ञान का उपयोग किया। ज्ञान का मतलब विज्ञान, जब विज्ञान का उपयोग किया है तो वो विज्ञान की जागृति तो काम करेगी, अवश्य करेगी, तो उसमें जो कुछ भी कर्म लगेगा वो आपकी जागृति के साथ लगेगा या नहीं, वो कर्म में आपकी जागृति कम हुई है, जागृति नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो उसमें आपका जो भी कर्म बनेगा वो माइंड बनेगा, यानी नेक्स्ट बर्थ में आपको इजीली विज्ञान रहेगा, ऐसा संयोग बनेगा, क्योंकि कई हद तक तो आपने पास कर लिया। और जो व्यक्ति का ज्ञान दर्शन अभी पुरुषार्थ के रूप में मन वचन काया की अवस्था में परफेक्ट रहता है तो उनके लिए तो ये जो ये पुरुषार्थ उनके उन्होंने किया जागृति यानी ज्ञान दर्शन उसका तो उनको फल कुदरत देंगे, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो। तो वो तो आपने जो बात की वो बारहवें गुंठाने की बात कर रहे हैं, केवल दर्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग तो सबको चाहिए जिसको मोक्ष में जाना है। बारहवें गुंठाना में तो पुरुषार्थ ही नहीं होता है और कुछ प्राप्ति भी नहीं करना है, अज्ञान चला गया है, बाद में अपने आप ऑटो मोड से केवल ज्ञान होता है, मार्ग के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। तो जो केवल दर्शन है वो ग्यारहवें गुंठाने की बात है, केवल दर्शन वो बारहवें गुंठाने की बात है, ग्यारहवें तक पुरुषार्थ है,
But 12 is means you are now mature. You don't require any kind of effort. Okay. So you convert in a 12. After 12, you cannot come back. Okay. 11 में आप बैक जा सकते हैं. तो 7 to 11 वो एप्लीकेशन है, तो उसमें अप एंड डाउन होता रहता है. But when you cross the 11 one time, then you never come back. Okay. ये stable हो गए, stable हो गए. यानी आपका ज्ञान अभी संपूर्ण चला गया. अभी ना उपयोग है, ना पुरुषार्थ है, और ना लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं रहेगा. आप समझे जी. और इसीलिए एक दो या तीन भाव में उसका मोक्ष होता है. और एक दो भाव क्यों होता है? क्योंकि एक भाव तो केवल ज्ञान के लिए होगा, मगर दो तीन भाव क्यों होता है? क्योंकि ये केवल दर्शन होने के पहले जो कुछ भी कर्मचार्य किए हैं वो तो फिनिश करना पड़ेगा ना जी. तो ये नया कर्म नहीं पर किया है वो तो डिस्चार्ज में आएगा. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. जी जी. तो वो भी पूरा करना पड़ेगा, लास्ट बर्थ भी आएगा, और आप एक दो अवतार में मोक्ष में चले जाओगे. जी. तो ये जो हम उस जागृति में नहीं रह पाते हैं, उसका कारण क्या है और उसमें कैसे हम जागृति में रहे? हाँ, जागृति में नहीं रह पाते. मैंने कहा ना जी, अभी हम विज्ञान की वैल्यू नहीं समझे. विज्ञान तो समझे, वैल्यू नहीं समझे. तो उसकी वैल्यू, वो वैल्यू हम कैसे, उसको समझने के लिए हम क्या करें? जब आप अप्लाई करेंगे तो इट इज अ मैटर ऑफ योर विजन. ये ब्रेन की बात नहीं है, विजन की बात है. जी जी. दृष्टि से ही आपको समझ में आएगा कि विज्ञान नहीं समझना वो कितना बड़ा लॉस है. इट इज ना फिजिकल लॉस. फिजिकल लॉस नहीं है. मैं एक समय की आत्मा से बाहर निकलू तो मेरे को कितना लॉस होता है वो तो केवल ज्ञान ही जान सकता है. राइट. और हम अनुमान कर सकते हैं कि हम आत्मा से आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है. ऐसा मेरे जानने के बाद, समझने के बाद, अगर मैं कोई अवस्था में यथार्थ उपयोग नहीं कर सकता तो इसमें कितना लॉस होता है? ये लॉस का मतलब होता है कि एक तरह आपकी परमानेंट स्टेटस डेवलप होती है, और दूसरी तरह अगर लॉस हुआ तो रिलेटिव स्टेटस आपका डेवलप होगा. तो फिर आपको इसको मिटाने के लिए भी ज्ञान दर्शन का उपयोग करना पड़ेगा. जी. प्रश्न है कि जैसे पहले भाई ने जो भी पूछा कि भी जो पिक्चर देखने चले गए, तो पिक्चर देखने गए उस समय तो, या कोई भी इंद्रिय सुख हो, उसके अंदर शुरू में तो जागृति रहेगी कि भी जो ये कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ. लेकिन एक बार जब उस इंद्रिय सुख में पड़ गए, जब पिक्चर शुरू हो गई, तो उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम है, उस समय पर वो जागृति बिल्कुल रहती नहीं है. और जब उसका टाइम खत्म हुआ उसके बाद फिर ध्यान आया चाहिए तो कुदरती रचना है, लेकिन बीच में जो कर्म चार्ज हुए उसका उस ड्यूरेशन को हम 3 घंटे से 2 घंटे 2 घंटे से 1 घंटे 1 घंटे से 1 मिनट, उससे फिर 1 सेकंड 1 सेकंड से 1 समय, ये जो हम नहीं कर पाते हैं वो 4-5 5-5 घंटे चलता है. तो उसके लिए आप बोल रहे हैं कि भी जो हमको उसकी विज्ञान की वैल्यू समझ में नहीं आई है. और विज्ञान की वैल्यू हमको समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि भी हमने उसको एप्लीकेशन नहीं किया. तो ये तो दोनों, मतलब एप्लीकेशन इसलिए नहीं आ रही है कि भी विज्ञान की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, विज्ञान की वैल्यू इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि एप्लीकेशन नहीं हो रहा है. तो उस क्षेत्र में से कैसे निकला जाए कि मतलब वो एप्लीकेशन कैसे बढ़ाएं जिससे विज्ञान की वैल्यू समझ में आए? तो ये तो एक मतलब विश्व सर्कल टाइप का हो गया. तो उसमें से कैसे निकले? राइट. ये आपका प्रश्न बराबर है, बड़ा अच्छा है प्रश्न, कि विश्व सर्कल से हम कैसे निकले. देखो, ये विश्व सर्कल ऐसा है कि हम अपने जीवन में ये विज्ञान जान के विज्ञान की वैल्यू तो बिगिनिंग में करते हैं और एप्लीकेशन भी करते हैं. मगर क्या होता है, जब संयोग आता है तो हमारी जो लेंथ एंड स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती है. क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम जिस वैल्यू से विज्ञान की वैल्यू करना चाहिए वो नहीं किया. जिस वैल्यू करना चाहिए वो नहीं किया. हमने माइंड वे से एक जानकारी के रूप में उसके वैल्यू किया. जी जी. हमको जैसे जैसे यहाँ फिजिकल फॉर्म में कुछ लॉस होता है तो हमको इफेक्ट होती है,
ऐसा हमको यहाँ लॉस महसूस नहीं होता है. दैट इज ये आपकी विजन की अनुभूति की कमजोरी है. आप नहीं समझ पाते हो. यहाँ समझ पाते हैं कि मेरे को अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे को 5,000-10,000 डॉलर या रुपीस का नुकसान होगा. तो इसीलिए मेरे को अवेयर होना है. यहाँ ऐसा समझ में नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम स्थूल चीजों की वैल्यू अभी समझते हैं, क्योंकि कई अवतारों का अभ्यास है. ये सूक्ष्म ज्ञान दर्शन का उपयोग न करना वो कितना लॉस है, वो हम समझ नहीं पाते हैं अभी जी. और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना क्यों कहा? क्योंकि पूरा लाइफ भी तो कुदरती रचना है. इसमें कोई पार्ट की तो बात नहीं है जी. हम नहीं देख पाते, वो हमारी कमजोरी है. मगर पूरा लाइफ भी तो ड्रामा है. इट इज प्री डिसाइडेड ड्रामा. एंड आप जो ड्रामा कर रहा है उसका आप ऑब्जर्वर है. आप न क्रिएटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है जी. आप तो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं. और ये देखना जानना उस समय आपकी दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है, यही तो रहना चाहिए जी. ड्रामा छोटा है या बड़ा है क्या फर्क होता है? रचना तो मेरा विजन का है जी. तो यहाँ लेंथ की बात नहीं है. मगर लेंथ की बात क्यों आती है? क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी, अगर मैं चूक जाता हूं तो क्या नुकसान होता है, अगर वो समझ में नहीं आता है. और इसीलिए हम चूक भी जाते हैं, फिर वापिस भी आ जाते हैं, फिर चूक भी जाते हैं, वापिस भी आ जाते हैं. मगर समझ में नहीं आता है कि चूक का मतलब क्या हुआ. श्रीमद राजचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है जी. जी. और श्रीमद राजचंद्र जी बहुत बड़े अनुभवी ज्ञानी थे, उसमें कोई संशय नहीं है. फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार से परमात्मा जैसे महावीर को केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा की अनुभूति किया, वो अनुभूति करने का मैंने प्रयास किया, उस प्रकार की अनुभूति. हालांकि महावीर ने एक्सप्लेन तो नहीं किया है कि मैंने अनुभूति में क्या किया, मगर अनुभूति किया और हम मानते हैं कि उन्होंने अनुभूति किया है. तो ये अनुभूति करने का मैंने प्रयास किया, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि मैं फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? उन्होंने ये कहा तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रहो प्रभु आज्ञाए थासु तेज स्वरूप जो. यानी मैं राज चंद्र हूं वो 100% मिटा नहीं. फ्रॉम माय विलिंग, ये इतने बड़े ज्ञानी कहते हैं. आप यू अंडरस्टैंड मी जी. जी. तो हमारी स्थिति क्या होगी वो समझने की बात है जी. आई एम नॉट डिग्रेड टू यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. राइट. आप समझे ना? और इसीलिए उनको भी मालूम हो गया कि मैं चूक गया. वो हालांकि वो मोही नहीं था, उनको देहाद्यास इतना पक्का नहीं था. इनको शरीर की कीमत नहीं थी, संपत्ति की कीमत नहीं थी, साधनों की कीमत नहीं थी, सत्ता की कीमत नहीं थी उनकी दृष्टि में. मगर मैं राजचंद्र हूं वो तो रहा जी. ये देहाद्यास है, बाकी सब कुछ नहीं था उसके अंदर. वो तो बहुत डेवलप थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे. तो ये मतलब मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस लेवल की अवेयरनेस हमको होनी चाहिए. राइट राइट. इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया. तो जागृति की वैल्यू समझ में आने के लिए कोई ऐसा पुरुषार्थ है जो हम कर सकते हैं, या कि ये खाली जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन बढ़ता जाएगा वैसे अपने आप ही होगा नॉर्मल प्रोसेस में, या कि इसकी नहीं, इसके लिए हम कुछ एक्टिवली कर सकते हैं जिससे जागृति इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, और ऐसे बढ़ेगी भी नहीं. राइट. का मतलब होता है आपके जीवन में जो जो संयोग आते हैं वो संयोग भुगतान लेकर आए हैं, चाहे बाप का, हाँ चाहे बाप का चाहे पुण्य का भुगतान लेकर आए आपके हर संयोग, ठीक है जी. जी. इसके सामने आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है जी. तो वो आपके पास है,
और ये अवस्था का भुगतान, ये भुगतान के आधार से आपको मालूम होता है कि अगर मैंने चूक किया है तो इस प्रकार का भुगतान प्रकृति को करना पड़ता है। तो मैं why I involve and enter in a प्रकृति unnecessarily, प्रकृति को तो भुगतान करना पड़ेगा, मैं क्यों अटैच हो जाऊं। I have infinite powers and ज्ञान, तो हर समय आपकी वैल्यू बढ़ाओगे आपके ज्ञान की और आपके दर्शन की, तो धीरे धीरे वो अवस्था की वैल्यू नहीं रहेगी, आके चली जाएगी, आपका ज्ञान दर्शन इंटेक रहेगा क्योंकि आपने वैल्यू शुद्ध ज्ञान दर्शन की किया। तो जैसे जैसे अवस्था में ऐसा प्रोसेस करते रहोगे, प्रोसेस से ही आगे बढ़ोगे, नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, मैं शुद्ध आत्मा हूं या कुदरत रहता, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इस रिक्वायर्ड प्रोसेस का मतलब होता है लाइवनेस, अदरवाइज इट्स अ मैकेनिकल। मैकेनिकल साइंस में कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा साइंस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट देन कन्वर्ट इन एक्सपीरियंस। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो फिर मैकेनिकल है, बने शब्द में तो मैकेनिकल से प्रोग्रेस नहीं होता है। मतलब मैकेनिकल तो एक लाइट मोड में काम करेगा, इससे उसकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। आपको हर अवस्था में आपके शुद्ध ज्ञान दर्शन को रखना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आपके बुद्धि को अहंकार को बतानी पड़ेगी, तभी तो वो सेपरेट रहेगा। और आपको ही ज्ञान दर्शन की वैल्यू करनी पड़ेगी कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो क्या है, इस अवस्था में अगर मैं कुदरत रचना को देखता हूं तो उसकी उसकी वैल्यू क्या है, वो मेरे को ही समझना पड़ेगा। अवस्था तो अवस्था है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर वैल्यू करने वाला तो मैं हूं ना प्रतिष्ठित आत्मा जी। तो मैं नहीं करूंगा तो जागृति कैसे रहेगी। तो ये प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस, प्रोसेस है, ये रेडीमेड नॉलेज नहीं है। साइंस में मैं भले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान होना चाहिए, और मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरचना है, वो दर्शन होना चाहिए, वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, हर बात ऐसी प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपको तो समझना है हमको ही ये दोनों के वैल्यू मन वचन काय की हर अवस्था में करनी है, क्योंकि मन वचन काय की सभी अवस्था रिलेटिव सत्य की वैल्यू करके ही बनी है। और उसके सामने आज हमको उदय कर्म के अधीन जब वो अवस्था आती है तो हमको शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन की वैल्यू भी हमको ही यानी प्रतिष्ठित आत्मा को ही करनी पड़ेगी ताकि उसमें वो इन्वॉल्व न हो। तो ये वैल्यू की बात है, ये मैकेनिकल नॉलेज की बात है। तो एप्लीकेशन करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, लेकिन जब हम अजागृति में रहते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा अभी भी कर्ता भोक्ता बन जाती है, करेक्ट? सवाल ही नहीं ना। नहीं, जब मैं लेकिन जागृति में नहीं रहता। ये लोगों को भ्रांति हो गई कि ज्ञान मिलने के बाद कर्म बंध नहीं होते, ये भ्रांति हो गई, भ्रांति समझते आप? नहीं, सही, ठीक बात है, लेकिन मतलब मैं इसी को कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो है जब हम जागृति में नहीं रहते तो प्रतिष्ठित आत्मा अभी भी कर्ता भोक्ता बनती है। 100% करेक्ट, ओके। देखो एक सिंपल बात समझो, अगर आपको डॉक्टर ने ज्ञान दे दिया और आपको प्रोफेसर ने आपको डॉक्टरी ज्ञान दे दिया और वो ज्ञान से आप परीक्षा पास करके डॉक्टर की डिग्री तो आपने ले लिया, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्टर डिग्री, ओके, मगर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट, डिग्री तो मिल गई आपको जी, इट्स रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस, सो द प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिकल और वो थियोरेटिकल था, तो थियोरेटिकल को हम प्रैक्टिस कहेंगे, एक्सपीरियंस कहेंगे, इट इज टू बी कॉल्ड ए रॉन्ग मेजर, और यही हुआ है, राइट राइट। और मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि अगर राम कृष्ण महावीर भी आज मेरे को ज्ञान देते हैं, वो सनातन सत्य नहीं हो सकता है विदाउट माय एक्सपीरियंस, क्योंकि सनातन सत्य वो शब्द नहीं है, अनुभूति है, शब्द के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मगर शब्द खुद सनातन सत्य नहीं है। तो आखिर अनुभूति ही तो अंतिम सत्य है,
ये जो आपको जो अभी सत्संग में जो आपको ज्ञान मिलता है वो तो गाइड करने के लिए है। किसके लिए? गाइड करने के लिए, हाँ, ताकि आप बात पहले समझो, क्योंकि शब्द ही माध्यम है। जी जी, आप समझे ना, समझाने का माध्यम कौन सा है? वर्ड्स। फिर आपको वो शब्दों के माध्यम से अनुभूति की ओर आगे जाना है। जी, क्या करना है? अनुभूति की ओर आगे जाना है। हाँ, अभी आप नहीं जाओगे तो शब्द क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो तो उदय कर्म है, मगर हमने अनुभूति के मार्ग में आगे नहीं बढ़े उपयोग करके, तो पुण्य तो खत्म हो गया आपका, प्राप्त किया मतलब। जी, तो आपने गेन नहीं किया, जो पुण्य था वो प्राप्त किया तो खत्म हो गया, मगर गेन नहीं किया क्योंकि आपने उपयोग नहीं किया। तो किसी ने दिया हुआ ज्ञान कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। जी, भले वो परमानेंट ट्रूथ प्राप्त करने का ज्ञान हो सकता है, मगर वो ज्ञान, शब्द ज्ञान परमानेंट नहीं हो सकता है। वो आपके पुरुषार्थ से ही ये अनुभूति हो सकती है, वो दे नहीं सकते कोई। जी, तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बराबर है? जी जी, ओके। और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। स्वामी जी, ब्रेक। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने जो आनंद की बात करी थी तो उसमें ये कहा था कि वो आपको क्वांटिटी वाइज नहीं समझना है, क्वालिटी वाइज समझना है, तो वो आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे? किसमें? अनंत में जो बात करी थी आपने, तो अनंत की जो बात करी थी ना कि आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो उसको क्वांटिटी वाइज। हाँ, वो क्वांटिटी वाचक है, नहीं है क्वालिटी वाचक है। हाँ, तो वो क्या, कैसे समझाना चाह रहे थे, वो कैसे बोला आपने? अनंत ज्ञान का मतलब होता है वो क्वालिटी वाचक होता है, क्वांटिटी वाचक नहीं होता है। और विनाशी ज्ञान होता है वो क्वांटिटी वाचक होता है। क्या होता है? आत्मा का ज्ञान क्वालिटी वाचक है और विनाशी अवस्थाओं का ज्ञान क्वांटिटी है। क्वांटिटी समझते ना, बल्क। हाँ, कैसे होता है? जैसे आप पहले जमाने में वो कोडक का कैमरा आता था, रोल वाला, आपको मालूम है, 32 का 64 पिक्चर बने, ऐसा रोल आता था छोटा बड़ा, और उसमें हम पिक्चर लेते। हाँ, तो 1, 2, 3, 4 करके अगर 32 हो गया, जैसे 32 का रोल है और 32 हो गया, तो हम कहेंगे फुल हो गया, अभी हम पिक्चर नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वाचक हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटी वाचक। हाँ, और हमारे घर में जो मिरर है, मिरर, इसमें जो पिक्चर होता है वो क्वालिटी वाचक है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, उसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो तो है, एक का एक ही दिखेगा, जो है वही दिखेगा। नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को काउंट कर सकेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि अभी एक घंटे में कितना पिक्चर आया, बता सकते हैं मिरर में? नहीं। ये क्वालिटी वाचक है, यू कैन नॉट काउंट इट। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो ऐसा है। तो ये बात मैंने समझाई थी उस समय। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि मतलब विज्ञान का प्रयोग हम करते हैं तो हमें अपना रियल सुख की अनुभूति होती है,
व्यवहार के तीन ही संजोगों में okay. और अज्ञान रहेगा तो व्यवहार के कितने भी संजोग आते हैं तो उसमें हमें उस भौतिक सुख की भी अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे okay. तो स्वामी जी कितने लोग व्यवहार में हमें मिलते हैं तो उनके पास पैसा संपत्ति धन सब भी होते हैं लेकिन वो अपने व्यवहार के संजोगों के कारण दुखी रहते हैं और हर वक्त अपने को दुखी बोलते रहते हैं सुनाते रहते हैं इसने मेरे को ऐसा किया उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया ऐसा। तो स्वामी जी हम अपने को तो मतलब कितना धन्य समझते हैं कि विज्ञान का प्रयोग करके हम अपने आत्मा के सुख को लेते हैं और वही जब हम उनको सुनते हैं तो हम स्वामी जी उनको कैसे समझा पाए कि हम कैसे समझा पाए उनको कि वो अपने उसमें दुखी ना हो। बराबर है ये आपके आपने जो एक्सप्लेन किया उनका उत्तर एक ही सेंटेंस में है। भिखारी उसको नहीं कहते जिनके पास कुछ नहीं है, भिखारी इनको नहीं कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, भिखारी इसको कहते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी भीख होती है और जिसके पास कुछ भी नहीं है और भीख भी नहीं है वो भिखारी नहीं है। और तो इसीलिए जिसके पास भौतिक संपत्ति है मगर ज्ञान नहीं है तो वो भिखारी है अज्ञानी है और जिसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है मगर ये विज्ञान है तो वो भिखारी नहीं वो सुखी है। तो भौतिक चीजों मिलना और चले जाना ये कर्मों का खेल है मगर आध्यात्मिक संपत्ति अनुभव करने के बाद कभी जाती नहीं है और डेवलपमेंट के साथ बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होती है। हाँ। समझ में आया? हाँ। जी। तो ऐसा है। तो स्वामी जी उन लोगों को हम कैसे कैसे समझा पाएं? अब ये बोले हम उनको कि ये तो कुदरती रचना है मन वचन काया और विज्ञान का प्रयोग बताएं तो उनको ऐसे तो समझ आता नहीं है और हमें लगता भी है कि इनको सही समझ बैठ जाए तो ये कम से कम अपनी धन संपत्ति का सुख से उपयोग तो कर पाए। इनको मिली है अपने प्रारब्ध के अनुसार रोना रोते ही रहते हैं तो स्वामी जी कैसे समझाएं हम उनको जो उनको मतलब तो हमको कैसे उन्होंने ज्ञान का तो कुछ समझ होता नहीं है संसारी की व्यवहार होता है तो हम कैसे उनको समझाएं कि तुम्हें मतलब उनको समझ बैठ जाए वो दुख ना रोए। हाँ उनको ये विज्ञान समझा सकते हैं आप अगर वो समझना चाहे तो क्यों नहीं समझा सकते जरूर समझा सकते मगर वो अच्छी बात को समझना तो चाहते हैं लेकिन हम उसको शुरुआत कहाँ से करें उनको कि उन्होंने हमको अपना दुख बताया अब हम उनको कहां से शुरुआत करके बताएं कि ताकि वो उस भजन को समझ जाएं। समझ गया आप उनकी शुरुआत वहां से कीजिए कि इस संसार के अंदर सभी प्राणी सुख प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक होते हैं और प्रयास करते हैं बराबर है मगर कहां है वो उसको मालूम नहीं इसीलिए कहीं अनंत अवतारों से सुख प्राप्त करने के लिए ही भटक रहे और इस अवतार में भी जो जो चीज में सुख माना वो मिला भी फिर भी सुख नहीं मिला। हाँ। तो पहले ये समझ लीजिए हाँ। जरूरत के सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है वहां से शुरू करना चाहिए जो मैंने बहुत सारे हाँ। संदर्भों में बताया। हाँ। उनको अपनी जो मैं राजचंद्र की बिलीफ उनको गई नहीं तो उनको देहाध्यास भी चला गया था और रिलेटिव अज्ञान भी उनका चला गया था तो उनकी ये रॉन्ग बिलीफ क्यों नहीं गई थी कहाँ रह गई थी कचास वो हायर लेवल की रॉन्ग बिलीफ थी। आखिर संपूर्ण पड़े देहाध्यास नहीं गया
बाहर की जो अवस्था थी सत्ता संपत्ति संबंध और साधन उसमें से मोह निकल गया, मगर मैं शरीर हूं यानी मैं श्रीमद चराचर हूं वो नहीं गया। आप समझे, बाहर की चीजों का मोह नहीं था वो। हाँ वो बात तो ठीक है स्वामी जी, जैसे आपने हमको ज्ञान और दर्शन दिया तो हमारा हमारी तो रॉन्ग बिलीफ करेक्ट हो गई, तो उनकी उनको ज्ञान दर्शन नहीं मिला था कि जो उनकी रॉन्ग बिलीफ करेक्ट नहीं हुई थी। नहीं, उनका ज्ञान दर्शन तो हमारे से भी हायर लेवल का था, मगर उन्होंने क्रॉस का लेवल, भाई तो तारा का लेवल पास नहीं किया था। इसका लेवल 11 याने अगर उन्होंने 11 क्रॉस कर दिया होता और 12 में आ गए होते तो केवल दर्शन हो गया होता। अच्छा अच्छा, तो फिर उसको ये प्रश्न अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मैंने कहा ना कि 8 से 11 तो अप्स एंड डाउन से ज्ञान तो हो गया है, मगर 50 जो है वो एप्लीकेशन में है, ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान और दर्शन दोनों है, सिर्फ कमी जो है वो एप्लीकेशन में है 100%। अगर वो हो गई तो कन्वर्ट इन तो एक घंटे में भी 11 से 8 से सीधे 12 में जा सकते हैं ना, 1 आवर, क्योंकि और कुछ तो बाकी नहीं है, उनका एप्लीकेशन तो बाकी है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। वो तो हमारे से बहुत ऊपर थे, बहुत जैसे हाँ वही तो ना। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, यस। अभी कंटिन्यूस कर दो, कोई बात नहीं। ओके ओके, अलका बे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सवारनु जे अरिहंत चैनल पर आव्यु तू ने, यस, के आ पड़ता काल मा तमने व्यवस्थित ज्ञान मळी जाय पण तमे पड़ता काल ना प्रभाव ने कारणे एप्लीकेशन ना करी शको, संपूर्ण ना करी शको। अगर दादा भगवान ने जो व्यवस्थित शक्ति का शब्द प्रयोग किया था उस समय उन्होंने क्या कहा था कि मेरे 10 लाख साल के प्रोसेस के बाद मेरे को यह प्रकट हुआ है, यस और नो? If it is easy, then it is okay. They don't require too much here, correct? So, आपको समझना है. It is a matter of common sense. अगर इतना easy होता तो इतने साल उनको भी क्यों लगते? क्योंकि वो तो कहते थे मैं ऋषभदेव भगवान के समय भी था। हाँ, पर आप पढ़ता काल में तो अपने बता क्या माव्या? अकेली बड़ी समझान, बत्तूज, अने application पन करवा सतत मांगता जो ये सवारे उठी ने शुरू करी है। महात्मा की तो बात ही कुछ है, महात्मा की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि महात्माओं को वास्तव में ज्ञान मिला, विज्ञान नहीं मिला। क्या बताया? ज्ञान मिला और विज्ञान नहीं मिला। नहीं मिला, वो कैसे? सिद्धांत नहीं समझ में आया तो विज्ञान कैसे मिला? विज्ञान तो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत तो हूँ शुद्धात्मा छू समझ में आया ही है ने? कैसे आएगा दर्शन के बिना? अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो ये ज्ञान तो हिंदुस्तान के बाद अंदर सबके पास है। नहीं, प्रतीति बैठती है ने, प्रतीति लक्ष्य प्रतीति के फॉर्म में करूंगे, अलग के फॉर्म में कहूंगे,
वही बात करोगे ना, तो ज्ञानी पुरुष ने प्रतीति दिया है उसमें तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि बिना दर्शन ज्ञान समझ में नहीं आता। और दर्शन के लिए दादा भगवान ने ऐसा कहा कि मेरे को आत्मा की अनुभूति के लिए 10 लाख बिताना पड़ा, ये कहा कि व्यवस्थित शक्ति के लिए कहा, व्यवस्थित शक्ति के लिए कहा। व्यवस्थित शक्ति वो आत्मा है नहीं, तो आपको यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन उनके पास में शुद्धात्मा वो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, कहीं अवतार हो से वो हाँ। तो व्यवस्थित शक्ति समझने के बाद मालूम होता है ना उसको। और हमको भी क्या कहा, अगर आप व्यवस्थित शक्ति समझ जाओगे पूरा, वही तो केवल दर्शन केवल ज्ञान है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि शुद्धात्मा का अनुभव होगा केवल ज्ञान, नहीं नहीं, ये बाजू पे व्यवस्थित शक्ति पूरी तरह समझ में आ जाएगी, एक अंश भी बाकी नहीं रहेगा, और ये साइड पे केवल ज्ञान है, ऐसा बोला। वही तो मैं कहता हूँ, व्यवस्थित शक्ति का मतलब केवल दर्शन हो गया है, यानी केवल ज्ञान का नाश, वही तो केवल ज्ञान है। बराबर, लेकिन ये पढ़ता काल जो अपने वो कि आप अनुभव नहीं कर सकते हो, वो क्वालिटी के बारे में बोला, क्वालिटी नहीं, 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 नहीं। उसमें दो रीजन है। सबसे पहली बात कि जनरली ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, श्रीमद राजचंद्र भी हो गए, उनका ज्ञान भी अभी उपलब्ध है, और दादा भगवान का भी ज्ञान अभी इस भारतवर्ष में उपलब्ध है, इसके ज्ञान को बताने वाले भी उपलब्ध है, इनकी किताबें भी ओरिजिनल उपलब्ध है, ये है, और इसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, ठीक है। मगर उससे विज्ञान समझ में नहीं आएगा, और विज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुभवी ही चाहिए, देयर इज नो एनी अदर वे। आपको गीता समझना है तो भी अनुभवी चाहिए, वेदांत समझना है तो भी प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए, और आगम समझना है तो भी प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए। किताब पढ़ने वाला और किताब में से पढ़ाने वाला, उससे हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन खुला नहीं होता है, क्योंकि जब वो खुद ही बिना अनुभव बोलते हैं और आप उनके पास से अनुभव का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बताइए सच बात है। इफ द पर्सन सेज आई एम अ स्पीकर ऑफ सम स्क्रिप्चर, ओके, मैं कोई किताब या धार्मिक पुस्तक में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स वाई जेड, मैं नाम लेने की बात नहीं करता हूं, ठीक है। तो वो खुद प्रूव क्या करता है, आई हैव अ नो एक्सपीरियंस, Am I right or wrong? तो क्या कभी 24 तीर्थंकर ने ऐसा कहा कि मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी कृष्ण भगवान ने कहा मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी राम ने कहा मैं किताब पढ़ के बताऊंगा? क्या कभी श्रीमद रामचंद्र ने कहा? क्या कभी दादा भगवान ने कहा? क्यों ये सब ने नहीं कहा? तो now you know the persons, they have an experience. उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक भी बात किताब की नहीं करते हैं, उसको मौलिक कहते हैं, प्रेजेंटेशन मौलिक होता है, क्योंकि जब उनका अनुभव है वो बात करेंगे तो दूसरे का अनुभव उसमें से कैसे आएगा। और दूसरी बात, आपने ये बोला था कि उतरते काल में 23 में तीर्थंकर और 24 में तीर्थंकर में उतरता काल का डिफरेंस आएगा, और फिर चढ़ते काल में पहले तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर तीसरे उसमें, तो विजन में फर्क होगा सब तीर्थंकर भगवंतों में? नहीं नहीं, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का मतलब होता है जो जिस प्रकार से यहाँ उतरते काल में आयुष्य कम होता है, ऐसे उनकी
लाइफ के संजोग भी कम हो गए, तो चढ़ते काल में बिगिनिंग में कम हो गए, लास्ट में ज्यादा होंगे, और उतरते काल में बिगिनिंग में कम ज्यादा होते हैं, लास्ट में कम होते हैं, दैट इज द साइकिल। अच्छा अच्छा, वो रिलेटिव सत्य की बात है इसका मतलब? हाँ, वो तो रिलेटिव सत्य, वो आध्यात्मिक बात नहीं, वो कोई कुदरती कानून में आता है, मगर हमको वो जानना जरूरी है, ऐसा नहीं मिलता। मगर कोई मेरे को प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा। इसीलिए तो वो काल का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव सत्य है, उतरता काल चढ़ता काल, और जो हमारा प्रतीति लक्ष्य अनुभव है, जो हम ज्ञान दर्शन में ये गुंठाने में उत्तर उत्तर प्रगति करेंगे अनुभव के मुताबिक, उस पे काल का प्रभाव नहीं आ सकता है ने? आप आपकी आंतरिक दशा से, आप अभी भी आंतरिक दशा से सतयुग में रह सकते हैं, भले ही प्रकृति कलयुग में क्यों ना हो। अच्छा, क्योंकि कलयुग और सतयुग तो प्रकृति को लगता है, प्रतिष्ठित आत्मा और परमात्मा को नहीं लगता है। बराबर, उत्कृष्ट अनुभव हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं ये काल में भी? ऑफ कोर्स, उत्कृष्ट मतलब सर्वोत्कृष्ट नहीं, अल्टीमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता भी नहीं होती है, मगर कहीं हद तक 90-95-98% तक जा सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं एक दो अवतार बाकी रहते हैं, वो सब आपके सत्संग सुन के वो धारण करके हम कर सकते हैं अप्लाई। हाई लेवल पे 97-98 तक इस वर्ष में मैक्सिमम जा सकते हैं विथ अवर एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। बराबर, जा सकते हैं कोई भी व्यक्ति, देयर इज नो मोनोपोली एट ऑल। सही विज्ञान मिलना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए, बाद में एप्लीकेशन होगी। जब मिला ही नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं रहेगी। इसके बारे में एक प्रश्न पूछना था कि ये उतरते काल में मन समाधान तो पामी जाए छे, अपने ही समझा था, लेकिन वो अंदर धारण नहीं करता है, इसलिए उसकी एप्लीकेशन नहीं आती है, ऐसा कुछ? क्योंकि कहने का मतलब समाधान तो मिल गया है, बौद्धिक समाधान तो मिल गया, मगर वो समाधान में जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो कैसे होती है? वो तो एप्लीकेशन से ही आएगी। एक बात हमने समझ लिया उसका मतलब ये नहीं कि अनुभव हो गया। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने समझ लिया है, अनुभव में नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं आप जीवन में सोच सकते हैं, समझना एक अलग बात है, अनुभव करना वो अलग बात है। अनुभव तो प्रैक्टिकल से ही होते हैं, और सोच समझ तो कहीं से भी मिल सकती है, किताबों में से, व्यक्ति के माध्यम से, अनुभवी पुरुष के माध्यम से हमको ज्ञान तो मिल सकता है, मगर वो ज्ञान पाया हुआ ज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान नहीं है। उनके लिए शायद अनुभव हो सकता है जिन्होंने हमको दिया है, मगर हमारे लिए तो वो हमने प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है उसके बाद जो अनुभव करना है, यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस। ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। ये पड़ता काल में समाधान हो जाता है तो फिर प्रमाद हो जाता है, इसका मतलब? वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। प्रमाद क्यों हो जाता है? क्योंकि समझ तो आ गई आपको, मगर आपकी समझ की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है, तो फिर बाद में संजोगों में रिलेटिव सत्य की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, बराबर बराबर, थोड़े समय के बाद रहेगा, बाद में चला जाएगा। हाँ, जो अभी आगे भी प्रश्न हुआ है। हाँ, तो ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो गया तो आप बहुत कमजोर है, नहीं कोई बात नहीं, इसको जाना समझा, और हमारे पास रास्ता है तो हम होंगे कामयाब, एक दिन तो होंगे कामयाब, प्रयास तो करते रहेंगे। अच्छा, तो डिग्रेड क्यों हो जाएंगे? हमारे पास आत्मा है अनंत शक्ति वाला, और हम प्रयास करते हैं,
दृष्टि हमारे पास सही है, भले अनुभव नहीं है, दृष्टि सही है तो एक दिन तो कामयाब हो गए। प्रयास करते करते आखिर कोई भी व्यक्ति को हिमालय चढ़ना है, दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर वो सोचेगा कि इतना सारा हिमालय का हाइट है, कब मैं पहुंचूंगा, तो वो नहीं पहुंचेगा। स्टिल दे हैव अ मैप, एम आई राइट और रॉन्ग? सच बात है, इसका मतलब काल के प्रभाव की चिंता नहीं करने की, वो प्रकृति नहीं, नहीं काल के प्रभाव की चिंता करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही थी। मैंने ये कहा था कि ये काल के प्रभाव से हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते अल्टीमेटली, मगर कहीं हद तक आगे, मगर क्योंकि हमारी ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है, अनुभव की मैच्योरिटी, समझ में तो आ गया, अनुभव की मैच्योरिटी इतनी नहीं है, और इसलिए जो वो भाई के साथ हमने बात किया, विनोद भाई के साथ, कि वैल्यू, इंटरेस्ट एंड वैल्यू वो इतना नहीं रहता है। जब रिलेटिव सत्य के संजोग में आते हैं तो रिलेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वहां जुड़ जाते हैं, और ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन की वैल्यू उस समय कम हो जाती है। नॉलेज तो आपके पास है, और उसमें काल का प्रभाव काम भी करता है, करेगा ना, करेगा, उसमें बढ़ेगी, इसलिए जरूर करेंगे। देखो देखो, आपके आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड सर्कल का हो, फैमिली का हो, या आपके जो भी लोग जिसको आप मिलते हैं, वो सभी लोग अगर अध्यात्म के मार्ग की बातें करेंगे और आगे बढ़ने की बात करेंगे, मेरे को इस प्रकार का अनुभव हुआ, मेरे का इस प्रकार का एप्लीकेशन रहा, ऐसी ऐसी बातें हो जाएगी, तो आपको भी इंस्पायर होंगे, आप इंस्पायर होंगे। मगर ये नहीं है तो आपको खुद को एफर्ट करना पड़ता है। You understand my? That should be called environment. हाँ, environment नहीं मिलता है, बराबर। That's it. अच्छा, अच्छा। तो relative सत्य का environment तो हर जगह मिल जाएगा आपको। सच बात, सच बात। तो ऐसा है, तो ये बात मेरा कहने का मतलब ये practical समझना है। बराबर, समझ गए। Okay, okay. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमेश भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हवे मारो प्रश्न प्रमाद संबंधी छे। ओके। हवे आप घणी વાર કહો છો કે પોતે પોતાની કિંમત નથી જાણતો, પોતે પોતાનું જાણતો નથી, એટલે સંસારની કિંમત વધારે મેકે છે। હમણાં આપણે અત્યારે એવું કીધું કે પોતાનો ઉપયોગની શું કિંમત છે એ ખબર નથી, એટલે આવું થઈ જાય છે। તો આ પોતાની કિંમત સમજવી કે આ વિજ્ઞાનની જે દ્રષ્ટિ મળી એની કિંમત સમજવી। વિજ્ઞાન કે અંદર ભી ખુદ કી હી વેલ્યુ કરના હે, જો જ્ઞાન દર્શન હે, જ્ઞાન કા મતલબ ક્યા હે, મે શુદ્ધ આત્મા હું, બરાબર, ઓર દર્શન કા મતલબ ક્યા હે, मेरे अलावा जो कुछ भी है वो कुदरती रचना है, बराबर, उसी की तो वैल्यू करेंगे। जब दर्शन की वैल्यू करें तभी ज्ञान की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा कैसे, बराबर, क्योंकि हम फंसे हुए संसार में, बराबर, आखरे तो पोते सर्वश्रेष्ठ है, एवं पोताने नक्की राखवू पड़े ने। जी जी, हा हा, बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। देखो सिंपल बात क्या है, हमको हस्बैंड तो बनना है, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है, मगर शादी करने वाले मिलेंगे तब ना। तो हमको शुद्धात्मा का अनुभव करना है, मगर बिना दर्शन कैसे करोगे, जब अज्ञान भी शुद्धात्मा का अनुभव होगा दोनों कैसे होगा, बराबर। तो सम्यक दर्शन को भी पहले सम्यक दर्शन होगा, बाद में सम्यक ज्ञान होगा, यानी अज्ञान नाश करोगे तभी तो आत्मा की अनुभूति होगी, तो कैसे होगी, तो जैसे जैसे सम्यक दर्शन होता रहेगा ऐसे आत्मा का, आत्मा की वैल्यू आपकी दृष्टि में बढ़ेगी, बढ़ेगी, बराबर, बराबर, स्टेप बाय स्टेप हम जा है, स्टेप बाय स्टेप हम जा है, हां बस 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 बस, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आज मक्सर सुद 11 150 तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक, तो दादाजी ने दादा 11
और 150 तीर्थंकर कल्याणों के बारे में थोड़ा समझा। नहीं आपने प्रश्न नहीं समझा अभी इतना, आप जो खोल गए वो आज 100 आज मक्सर सुदी 11 मोक्षदा एकादशी समझ गया फिर। हाँ 150 तीर्थंकर कल्याण भगवंतों का कल्याण है समझ गया। हाँ तो दादा ने उनके बारे में क्या क्या, दादा ही 11 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 11 मन, तो दादा ने बोला वो समझाओ। वो तो दादा ने जो क्लास बताई वो तो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 चीजों को आप निर आहार रखोगे निराहार रखोगे तो ये आपके दादा ही 11 है। निराहार का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेन्द्रियों को और मन को नया आहार मिलना नहीं चाहिए। वो समझाओ थोड़ा कैसे? नया आहार कैसे मिलेगा? विचार आए आप जुड़ गए तो आहार मिलते हैं। आंखों ने देखा आपने वो देखने में इंटरेस्ट लिया तो आहार मिल गया। कान ने सुना आपने इंटरेस्ट लिया तो आहार मिला। नाक ने स्मेल लिया आपने इंटरेस्ट लिया तो आहार मिल गया। जीभ ने कुछ चखा है आपने इंटरेस्ट ले लिया तो आहार मिल गया। ये स्पर्श किया है इंटरेस्ट लिया तो आहार मिल गया। अगर नहीं लिया तो वो मैकेनिकल है इंटरेस्ट नहीं है। और अजय 150 कल्याण की तो आज की आराधना करते तो 150 गुना फल मिलता है। वो क्या बताया, क्या बताया दूसरी बार? आज 150 तीर्थंकर भगवंतों का कल्याण किया मोक्ष देगा जी। तो आज जो भी आराधना करेंगे तो 150 गुना फल मिलता है। वो तो ठीक है, वो रिलेटिव सत्य है आप सबको एनकरेज करने के लिए। कुदरत का कानून ऐसा नहीं है मगर एनकरेज करने के लिए, आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये बात अच्छी है। आखिर में तो आत्मा ही है, मैं शुद्ध आत्मा जाता बस। इससे आगे कुछ नहीं है। नहीं बराबर जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलू बेन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। चेन्नई से नीलू गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। वो ट्रेन में हूँ जिसके लिए आवाज, मेरा की रक्षा करना ही सबसे बड़ी हिंसा सही है, ऐसा मनवाने का प्रयत्न ही हिंसा है। ये आप तो सूत्र का कुछ पढ़ रही थी गुरु जी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आप मनवाने का प्रयत्न भी हिंसा है। दूसरा शब्द क्या बोला? अपनी ही बात सही भी हिंसा ही है गुरु जी। एनीवे विषय की बात नहीं सुनाई देती है मगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपनी बातों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी हिंसा है। अपनी बातों का मतलब क्या होता है? आत्मा की कोई बात होती है? नहीं नहीं होती है। फिर इतनी पकड़ क्यों? नहीं यही तो हिंसा है। हिंसा का मतलब होता है कर्मबंध, कर्मबंध का मतलब होता है जन्म मरण। और फिर उस बात की पकड़ रखोगे वो भी बड़ी हिंसा है। हिंसा का ना तो हिंसा का शब्द इतना बड़ा बात हो गया कि हिंसा आगे इसका यूज करना पड़ा। ये हिंसा शब्द का मतलब होता है भाव हिंसा। भाव हिंसा भाव से ही तो भाव है ना। हाँ हाँ ओके ओके
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मारे पूछू तो के श्रीमद राजचंद्र ने तो बड़े ज्ञान हतु, हाई लेवल नु ज्ञान हतु, डेवलपमेंट पण एमनी वधु हती, अने आ विज्ञान पण हतु, व्यवस्थित शक्ति नु पण ज्ञान हतु, छता पण देह धर्म केम रही सके एवी इतना के देह धारी मा तू हूं आ छु करीने आटलू ना आपला ने तो तने को छे तो आपणे छुट्टा रही सके छे, आ करी सके छे, पण ई एमनु तो आटलू ज्ञान डेवलपमेंट हतु तो छता पण हूं देह धारी मा केवी इतना रह्या। वही वही कमी है ना, वही कमी है उनकी, जो अंतिम अंतिम जागृति देहाध्यास से संपूर्ण मुक्त रहना है नाम और नाम की माया से, वो अंतिम जागृति उनको नहीं रही। हमारे से बहुत हाई लेवल की जागृति थी मगर फिर भी वो अंतिम नहीं थी। તો પછી સેના કચાસ રહી ગઈ છે એમની કે હું દેહધારી છું પણ એ પણ એપ્લિકેશન તો બધું કરતા જ હશે ને, બધામાં બધામાં એપ્લિકેશન કરતા છે, બધું કરતા જ હશે ને। નહીં વો બરાબર હે મગર ઓને ખુદ ને તો બતાયા હે ને, કોઈ કારણ તો હશે ને। હા સેના કરી ગઈ છે, નહીં વો કારણ તો બરાબર હે, કારણ હી તો હે, તભી તો ઓને બતાયા કે એસા નહીં હુઆ મેરે સે। वही तो कारण बताया कि क्यों नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मैं अभी मैं राजचंद्र हूँ, वो गया नहीं, यही तो कारण उन्होंने खुद ने बताया। कारण के इनने तो चार जना ने जो ज्ञान आपको तो ईपन के जो मोक्ष गया तो यही इतना बात करी थी। तो जो भी है जो भी है, हमको तो और किसी के लिए नहीं बोल सकते है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, मगर उन्होंने जो कहा है उसका प्रमाण हमारे पास है, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने लिए कहा है। ओके बराबर। અને મને છે ને એક બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો કાલે મેં કમલેશજીને પૂછ્યો તો પણ મને છે ને સેટિસ્ફેક્શન ન થયું કે નિગોદમાંથી જે જીવો આવે છે વારાસીમાં, નિગોદમાંથી જે જીવો આવે છે પણ એ પણ જીવોમાં ચાર્જ તો કરે જ નહીં એ લોકો, એ લોકોનું ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ કુદરતી રચના તરફથી થાય છે એવી રીતના। તો કોઈ પણ જીવ હોય એના આત્મા તો હોય જ ને, સમજાય કીડીમાં હોય કીડીમાં તો જીવ તો હોય જ ને, તો એનું પણ એક ઇન્દ્રિયમાંથી બે ઇન્દ્રિયમાં જાય, બે ઇન્દ્રિયમાંથી ત્રણ ઇન્દ્રિયમાં જાય, પછી જ પાછા પાંચમા ઇન્દ્રિયમાં આવે ને। હા તો મને એ પ્રશ્ન છે કે એમનું ડેવલપમેન્ટ આપણે આપણે તો બુદ્ધિ હોય તો આપણે ચાર્જ કરી શકીએ છીએ, તો એ લોકો કેવી રીતના આ કરે, એમનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતના થાય, ચાર્જ કેવી રીતના થાય એમનામાં, કારણ કે એમનામાં પણ આત્મા તો છે જ ને, તો ચાર્જ તો કરતા જ હશે ને એ લોકો પણ। नहीं, एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय में तो चार्जिंग नहीं होता है, तभी तो गति नहीं होती है, नहीं तो पुनर्गति में नहीं जाएंगे चार किया तो, वहां से कोई जाता है। हां तो पर एक केंद्रीय में से बे इंद्रिय में से त्रण इंद्रिय तो कैसे इतना ही सकते हैं लोगों। नहीं मगर अगर चार्ज करता है तो चारों गति में से कहीं भी जा सकता है ना। तो हमने आ तो मत तो ऐसे नहीं, आप चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग करते तो कहीं से भी जा सकते हैं, जैसे हम जा सकते हैं। હા તમને કીડી સમજો કીડી હોય આપણે એને કીડીને મારી નાખી તો પછી એનો જન્મ કેવી રીતના થાય, જન્મ કેવી રીતના થાય, કારણ કે જીવને આત્મા તો હોય જ ને, એનો વો પ્રશ્ન અલગ હે। હા વો પ્રશ્ન અલગ હે મગર આપ કહોંગે વો ચાર્જ કર સકતે તો વો મોક્ષ મે ભી જા સકતે કર્મ ખતમ કરકે। હા તો મારે નહીં, મારે એ સમજ્યું તો કીડીને પછી આપણે સમજો મારી નાખી તો એનો જન્મ કેવી રીતના થાય બીજો, વો તો કુદરતી કાનૂન કે મુતાબિક એકેન્દ્રિય સે પંચેન્દ્રિય और पहली बार मनुष्य में आता है, ये सब प्रक्रिया कुदरती रचना है और ऑटो मोड है। ऑटो मोड એટલે કુદરતી રચના તરફ કે એનો ગ્રોથ વધતો જાય છે એટલા। ઓકે ઓકે જે સચ્ચી બાત, જબ પહેલી બાર મનુષ્ય માં આતા હે, પહેલી બાર એકેન્દ્રિય સે લેકે પંચેન્દ્રિય સે પહેલી બાર બાદ તક સબ ઓટો મોડ હે, મનુષ્ય મે આને કે બાદ વો કહીં ભી જા સકતે હે। બરાબર ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જી। જય સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધાબેન। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જી। જય સચ્ચિદાનંદ। હા એક ગ્રીડ હે, ગ્રીડ અને આપ વો કે મોક્ષ માર્ગ મે લે બાધક હે યા વો પ્રકૃતિ મે આ ગયા ગ્રીડ?
लालच या ग्रीड बोलते हैं ना, वो तो लालच तो प्रकृति में होती है, बराबर है, वो उदय कर्म भी है, मगर वो लालच अगर भाव में भी है तो वो बंधन रूप है। हाँ, मगर एक बात आप ध्यान से सुनो कि एक आपके पास ये विजन है कि मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं। हाँ, फिर क्या चाहिए आपको? नहीं, अगर कोई किसी की प्रकृति ग्रीडी है, लालची है, तो क्या वो ये विज्ञान समझ पाएगा? वो समझने के लिए तैयार रहेगा? उदय कर्म में लालच है तो भले है, मगर वो विज्ञान समझना चाहते हैं दृष्टि से तो वो समझ पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाते। मगर हाँ, उदय कर्म के अंदर लालच है, वो ही लालच अगर उसके पुरुषार्थ में भी है तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, नहीं, अगर कोई समझ के बाद में वो सेपरेट कर सकता है अपने प्रकृति को, तो पहले ही वो लालच प्रकृति तो उसको सुनने को या ग्रहण करने को विज्ञान समझने में क्या मदद कर सकता है? आपने इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में रखा। आप सोचो, कोई भी लोग ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे, क्या उनकी कोई संसारी अपेक्षा नहीं होगी? हाँ, फिर क्या उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? क्या उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हाँ, उसके ग्रीड के उसको एकदम भगोटा आएगा तो उसको भी उससे छूटने को मन रहेगा। हाँ, मतलब उनके पास देखो क्रोध मान माया लोभ चारों है उसके पास, ठीक है, उदय कर्म में। हाँ, और अज्ञान सत्ता में भी पड़ा है, अज्ञान में। हाँ, ये पड़ा है, फिर भी उनकी जिज्ञासा है कि मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले तो अच्छी बात है, अनुभवी पुरुष मिले तो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास दृष्टि नहीं है मगर मेरे भाव तो हो सकते हैं, इंटेंशन। हाँ, और ऐसे भाव पूर्व कर्म में होंगे और उसका पुण्य होगा तो अनुभवी पुरुष मिलते हैं, भले उसके अंदर क्रोध मान माया लोभ सब कुछ है। और मिलने के बाद जो उनको दृष्टि देते हैं, अगर वो दृष्टि वो समझ पाते हैं तो वो पुरुषार्थ करके अपनी अज्ञानता को निकाल सकते हैं और संभाव में रह सकता है। हाँ, क्योंकि प्रकृति बदलने की तो बात ही नहीं है। हाँ, यानी ये जो भी उसके प्रकृति में जो भी है उसमें जो उसके ग्रीड है या कुछ भी आशा में, उसको ज्यादा अटैच न रहे के उसमें ज्यादा इंटरेस्ट न रहे रहा तो उसको समझ में आ सकता है विज्ञान। ठीक है, अध्यात्म के मार्ग में ऐसा लालच होना अच्छी बात नहीं है, वो आपके प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो हम मान सकते हैं। हाँ, एक दिन तो आपको आपके विजन में से सभी लालच को भ्रांति के रूप वाली जो लालच है, इसमें सुख है, उसमें कोई प्रॉफिट है, इसमें बेनिफिट है, वो लालच आपको एक दिन तो निकालनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं तो वो आगे जाके भी रुकावट का कारण बन सकता है। हाँ, तो इसमें वो स्वीकार करता हूँ। हाँ, सही, मगर वो आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपने बताया था कि तीन प्रकार की बुद्धि होती है, एक संसार बुद्धि, सम्यक बुद्धि और आत्म बुद्धि। जो संसार खड़ा करे वो संसार बुद्धि, जो संसार से हटाकर आत्मा की ओर ले जाए वो साम्यक बुद्धि, और अंत में जो लास्ट बर्थ आता है उसमें जो बुद्धि होती है दैट इज आत्म बुद्धि। क्या हम इसको द्वैत, द्वैता द्वैत और अद्वैत बुद्धि भी कह सकते हैं?
लास्ट बर्थ में मैं शुद्धात्मा हूँ यही रहता है, न कोई पुरुषार्थ न कोई द्वंद्व है, द्वंद्वातीत द्वंद्वातीत होता है, लेकिन वो अबुद्ध भी होता है उस लास्ट वाले जो लास्ट वाले बुद्धि है वो दैट इज अबुद्ध। या अबुद्ध सही बात है, अबुद्ध ही कहेंगे, पुरुषार्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न पाना है न कोई पुरुषार्थ करना है, मतलब वो डिस्चार्ज बुद्धि है, दैट्स ऑल। वो तो ठीक है, डिस्चार्ज तो रहेगी, अच्छा बस वो मैकेनिकल होती है, वो मैकेनिकल बुद्धि है, उसको संसार तो लेकिन उनके मन में क्या रहता है कि मैं मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं अलग हूँ इस आत्मा से, ऐसा कुछ रहता है उनको कि वो स्वाभाविक ही अलग रहते हो? जब प्रकृति से उसका कंसर्न ही नहीं है 100% और प्रकृति और परमात्मा को बिल्डिंग करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है ही नहीं, तो अलग रहने की क्या जरूरत, अलग है ही वो, अलग है ही है, मैं और मकान अलग हूँ तो अलग हूँ, कहूँ कि मैं मकान में रहता हूँ मगर फिर भी अलग हूँ, ऐसा मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा कहूँ कि मैं मकान से अलग हूँ, अलग ही हूँ भले मकान में हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात है, तो लास्ट बर्थ में तो और कुछ करना ही नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हवे स्वामी जी कोई छे नहीं, मारे एक प्रश्न हतो कि आज एक सोनेरी सूत्र आव्यु छे, भूल एक क्रियारूप छे नथी दान, सॉरी भूल एक क्रियारूप नथी पण दानत रूपे छे, ए समझावशो? हाँ, भूल वो क्रिया रूप नहीं है, दानत रूप है, हम अध्यात्म मार्ग में जिसको मिस्टेक कहते हैं वो इंटेंशन में भूल है, एक्शन में भूल नहीं है, एक्शन में भूल वो तो कुदरत रचना में चले गए, इंटेंशन में भूल है उसका रिजल्ट आएगा, एक्शन का नहीं आएगा। ओ, ये तो पर बदाम है वो ही ने कि आपने जो इंटेंशन था ये माज माँ उसका ही ये रिजल्ट आएगा ना, उसमें कहाँ कंडीशन रखा है कि सब में है या सब में नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, दानत रूपी छे इसलिए ये समझना पड़ेगा। मैंने सिंपल बात कहा कि मिस्टेक इंटेंशन में होती है, एक्शन में नहीं होते, दैट इज सिंपल स्टेटमेंट। यस, दैट इज अंडरस्टूड। यस, ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હવે આપણે પૂરું કરવાનું છે ને, ઓકે ઓકે, કોકિલાબેન આવ્યા છે, અનમ્યુટ કરું। હા, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ। મેરા ભી યે સોનેરી સૂત્ર મે હી પ્રશ્ન થા કે જો 392 નંબર કા હૈ વો ગુજરાતી મે મેં પહેલે પઢ લેતી હું। કુદરત નો કાનૂન એવો છે કે જ્યારે માતા અને બાળક નાભી થી જોડાયેલા હોય ત્યારે જેટલા પણ સંસ્કાર સારા કે ખરાબ તમારે આપવાના હોય તો તેનું રિઝલ્ટ ફાસ્ટ મળે છે, પણ મુજે એસા પ્રશ્ન મન મે હુઆ કે જો જીવ જન્મ લે માતા કે ગર્ભ મે જાતા હૈ વો ઉસકા પૂરા હિસાબ કિતાબ જીતના જીના હૈ ક્યા કરના હૈ સબ લેકે જાતા હૈ કોઝલ બોડી સે જો, તો ઉપર સે નયા કેસે હમ સંસ્કાર કે દ્વારા અચ્છા બુરા ઉસકા कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो पूरा पैकेज लेके वो जीव आ रहा है। जी 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 जी, नहीं, आपकी बात बराबर है कि पूरा पैकेज लेकर आ रहे, मगर पैकेज के अंदर से हम कहेंगे कि अगर संस्कार देना है, व्यवहार से ऐसा बोलना है तो समझाना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम हम संस्कार गर्भस्थ संस्कार ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि हम अटैच है, उसके बाद दूसरा संस्कार ज्यादा कम दे सकते हैं, जब बच्चा हमारे कंट्रोल में होता है तो दूसरा लेवल का संस्कार हम ज्यादा दे सकते हैं, फिर तीसरा जब वो मैच्योर हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो हम इतना संस्कार उसको नहीं दे पाते क्योंकि वो अपनी मर्जी का राजा हो जाता है, दुनिया में उसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो इसको गाइड करता है, इसके आगे भी वो अगर शादी करेगा और व्यवहार करेगा बिजनेस करेगा तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर आपकी बात तो सुनेगा ही नहीं, तो ये प्रोसेस की बात मैंने किया, क्या कहा? प्रोसेस की बात, मैंने स्वतंत्रता की बात नहीं कहा। नहीं, वो प्रोसेस करने से क्या उसके संस्कार में चेंज हो जाता है?
नहीं, वो उसका कर्म चेंज हो जाता है जो लेके आ रहा है। नहीं, अभी अभी आप समझे ही नहीं। मैंने क्या कहा कि माता जी को संस्कार देना है तो मैक्सिमम संस्कार कब दे सकती है? गर्भवती के समय। अच्छा, ये मैंने प्रक्रिया बताई। अगर आपके बच्चे को संस्कार देना है तो ये टाइम पे आप मैक्सिमम दे सकते हैं। अच्छा, बराबर। तो ये प्रक्रिया बताई, यानी आप स्वतंत्रता से दे सकते हैं, वो मैंने नहीं कहा। वो ले सकते वो भी नहीं कहा मैंने, मगर लेने देने की प्रक्रिया में जो स्टेप होता है उसमें पहला स्टेप ये है कि गर्भवती में ज्यादा से ज्यादा संस्कार हम दे सकते हैं बच्चे को। अच्छा, है वो भी उसका उदय कर्म है। आप देने वाले हैं वो भी उदय कर्म है, मगर फिर भी आप 80 साल के हैं और आपकी आपका लड़का 60 साल का है तो वो बात नहीं सुनेंगे आपकी। मैंने यहाँ कोई बताया नहीं कि माता के पास या बच्चे के पास फ्रीडम है, वो मैंने नहीं बताया। मैंने स्टेज बताया। हाँ जी, 20 साल के व्यक्ति के साथ जो ताकत होती है वो 40 साल में कम होती है, 60 साल में और कम होती है, 80 साल में और कम होती है, 90 साल में और कम होती है। ये मैंने स्टेप बताया, मैंने फ्रीडम की बात नहीं कहा। बराबर है, समझ गए। ओके। स्वामी जी, एक विनती है मेरी कि जो हम हिंदी गुजराती का जो सत्संग करते तब इंग्लिश वर्ड आता है, कॉमन वर्ड तो समझ में आ जाता है, पर डीपर बहुत हैवी इंग्लिश वर्ड आता है तो समझ नहीं पाते हैं, और इंग्लिश वाले लोग तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी गुजराती का। तो थोड़ा बहुत मैं ध्यान साथ में हिंदी गुजराती शब्द थोड़ा छोड़ देने का तो समझ में आ जाएगा हमको भी। जय सर, कोई बात, जरूर जरूर, धन्यवाद। अभी और कोई नहीं है ना? अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि के माध्यम से जो कुछ भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।